कुशीनगर जनपद से खबर आ रही है। बता दें कि जनपद में कंटेनर वाहन से तस्करी के लिए ले जाई जा रही 30 गौवंशों को थाना तमकुही राज पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल और अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर रितेश कुमार व क्षेत्राधिकारी तमकुही राज जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में थाना तमकुही राज पुलिस के द्वारा कंटेनर वाहन सहित 30 गौवंशों को बरामद किया है और साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें नन्हे पुत्र सैदा अली जिला रामपुर, वहीं महबूब पुत्र मोहम्मद अहमद जनपद रामपुर और तीसरा आरोपी अब्बास पुत्र तजन साकिन रामपुर जनपद को गिरफ्तार किया गया है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए कुशीनगर से ब्रजेश सिंह की रिपोर्ट। ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 30 गोवंश राशि बरामद हुई है। कप्तान साहब के निर्देशन पर, अपर पुलिस अधीक्षक साहब के निर्देशन पर ये तवाकुल कार्रवाई गोवंश अधिनियम के अकॉर्डिंग की जा रही है, जिसमें कि बकरी की सूचना पर SHO तमकुही राज को सूचना मिली थी, तो उन्होंने अपनी टीम से उसको क्लोज किया और उसको ओवरब्रिज तमकुही राज से ही बरामद किया। एक कंटेनर है, 30 गोवंश हैं, जिसमें 3 अभियुक्त हैं, जिसके एक का नाम नन्हे है, एक का नाम अब्बास है, एक का नाम महबूब है। ये रामपुर के रहने वाले हैं, इनको आज ही गिरफ्तार किया। क्या पता चला है ये कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये रामपुर से बिहार लेके जा रहे थे। धन्यवाद।